करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। सवाल हर कहीं से छात्रों को हैरान परेशान करने वाली खबर हमारे सामने, लाखों छात्रों का करियर। जी हां, सबकी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, लाखों छात्रों को लेकर इस बार बड़ा संकट देखने को मिलेगा। इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 में लाखों छात्रों को फेल कर दिया जाएगा। इस साल बोर्ड परीक्षा में शिक्षा मंत्री ने बड़े नियम लागू किए जिनको सुनकर छात्रों के होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें, कक्षा 10वीं और 12वीं के जो भी परीक्षार्थी इस साल बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सरकार की तरफ से निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, 1% भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही बड़ी खबर आप सभी छात्र छात्राओं को मिलने वाली है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, पैटर्न कैसा बनेगा, कब बोर्ड परीक्षाएं होने वाली, कितने प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में शामिल किया जाएगा, इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस से बहुत ही बड़ी जानकारी सभी छात्र छात्राओं के लिए निकल के सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षा का पैटर्न तैयार करने को लेकर सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से इस पर सुझाव भी मांगे हैं कि पैटर्न किस प्रकार रखा जाए। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि आप अपने स्कूल के जो छात्र है उनका तिमाही, छमाही, सालाना का जैसा भी परफॉर्मेंस रहता है उसकी एक सूची बनाकर शिक्षा मंत्रालय में अवश्य जमा कराएं, ताकि उसी हिसाब से बच्चों का सरल व कठिन पेपर बनाया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी 2025-26 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। आप भारत के चाहे किसी भी राज्य व बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र ही क्यों ना हो, सभी छात्रों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा और अहम ऐलान किया है। छात्रों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई, जिसके तहत बड़े महत्वपूर्ण व अहम बदलाव किए, जिसको सभी छात्रों को जान लेना बेहद ही ज्यादा आवश्यक होगा, नहीं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी व अपडेट देने वाले हैं, तो आप अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप किस क्लास में बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं, तो इन छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अभी से ही तेज कर दी है, ताकि आगे किसी भी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े, और पहले से ही बड़े बदलाव करने सरकार ने शुरू भी कर दिया। इस बार 10वीं और 12वीं सभी के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ कर दिया, इस बार सभी छात्रों के लिए 2 एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसका कारण यह है कि कभी कभी छात्रों के 2 सेंटर जारी हो जाते हैं, इससे छात्रों को स्कूलों में के नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, इस कारण से सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। यह बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है। देश भर में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। इस पर एनसीईआरटी ने भी साफ कह दिया है कि इस बार एनसीईआरटी से सरल सरल क्वेश्चन को ही पूछा जाएगा, कठिन प्रश्नों को शामिल करने के निर्देश एनसीईआरटी की तरफ से जारी नहीं किए गए। एनसीईआरटी ने 30% कोर्स भी कम कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। धन्यवाद।